नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजयोगी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको शिव बाबा का लोगो बनाना सिखाऊंगा, जो कि आसानी से कहीं मिलता नहीं है। या तो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर मिलेगा या फिर माउंट आबू मिलेगा। तो देखते रहिए ये वीडियो, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए ये वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शादी का कार्ड है जो सभी घरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसको आप दो टुकड़ों में काट लेंगे। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और एक साइड की लंबाई 14 सेंटीमीटर। इसको 14 सेंटीमीटर की तरफ से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद मार्किंग कर लेंगे, पेन से आकार बना लेंगे एक आधे अंडे का। तो उस अंडाकार आकार को बना के उसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इसी तरीके से एक छोटा सा एक आकार और बना लेंगे और उसको अंडा के आकार में कट कर लेंगे, जो कि आपके पास जो दूसरी कतरन मिलेगी उस कतरन से काट के इस तरीके से आप बना लेंगे। अब जो दूसरा वाला एक और जो कागज़ का टुकड़ा था उसके ऊपर इसको रख लेंगे। रखने के बाद पेंसिल की मदद से आप इसकी मार्किंग कर लेंगे। मेरे पास पेन है, मैं पेन से मार्किंग कर लेता हूँ। आप पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही गलत हो जाता है तो आपको मिटा भी सकते हैं उसको। मार्किंग कर लेंगे आसानी से, ये मार्क हो चुका है। अब एक छोटा वाला जो आकार है उसको रख के बीचों बीच में थोड़ा सा नीचे रखना है। ऊपर स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, नीचे स्पेस कम होना चाहिए, और मार्किंग कर लेंगे। और इसके बीचों बीच में एक बिंदी लगा देनी है, छोटे वाला जो आकार है उसके बीच में। उस बिंदी से और बीचों बीच बीच सेंटर पे आपको चार निशान लगा लेते हैं, चार निशान लगा लेने हैं इस तरीके से, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये हमने चारों निशान लगा लिए। अब निशान लगाने के बाद एक हमें कागज़ का टुकड़ा लेना है, इस तरीके से काट लेना है, और दो पंखुड़ियाँ जैसी बना लेनी है, जिसमें एक आकार जो होगा वो थोड़ा सा पतला होगा और एक आकार जो होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इससे क्या करेंगे हम, जो मोटा वाला आकार है उसको ऊपर की साइड में, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो उससे हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। और छोटा वाला जो आकार की जो पंखुड़ी है उससे हम नीचे की साइड में निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद जो बीच में जो बिंदी है, बिंदी के ऊपर जो छोटा वाला आकार है उससे हम लकीर खींच लेंगे जो हमने निशान लगाए थे इस तरीके से। आराम से लंबे लंबे निशान लगा लेंगे, लकीर खींच लेंगे। लकीर खींचने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, हमारे पास आसानी से पेपर कटर मिल जाएगा, नहीं है तो आप मार्केट से अब ले सकते हैं, वो करीब 10 रुपये का आसानी से मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे। इससे क्या करेंगे हम, जो हमने लाइन खींची हैं उन लाइन पर कटिंग कर देंगे, इनके ऊपर ऊपर कटिंग कर देंगे। ये हमने सभी पर कटिंग कर ली है, और इससे क्या है, पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। तो हमें एक पंखुड़ी छोड़कर और दूसरी पंखुड़ी पर कट लगाना है, ऊपर और नीचे चारों तरफ से निकालनी है, उसमें से एक छोड़नी है और एक निकालनी है। तो चारों तरफ से कट लगा देना है धीरे धीरे आसानी से।
ये आप कट लगा देंगे और अंदर भी लगा देंगे, छोटे वाले जो आकार है वहाँ पे और ऊपर। ये देखिए ये एक पंखुड़ी निकल गई। ऐसी आप सारी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे आसानी से सावधानी से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सारी पंखुड़ियाँ इसमें से निकल जाएंगी। और ये देखिए ये हमारे बन के तैयार हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है, शिव बाबा का लोगो। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे ये आपको बताते हैं। कोई भी पेपर ले लेते हैं, आप इसको पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले से ही कितने छोटे छोटे बड़े सभी प्रकार के बना रखे हैं। ये सबसे बड़ा लोगो बनाया था मैंने, ये आप दीवार पे यूज़ करने के लिए बनाया था मैंने बड़ा लोगो। इस पे आप बड़े लोगो पे आप स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आजकल रेड कलर का जो स्प्रे है, कलर स्प्रे, वो आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए ये आप मार्कर से कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें हम कलर भर देंगे, रेड कलर का मार्कर से ही भर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी कच्चा कलर है तो आप कॉटन की मदद से और इस सांचे को ऊपर रख के फेर देंगे तो बहुत आसानी से जल्दी काम हो जाएगा। या फिर आप मार्कर की मदद से धीरे धीरे आप इसमें कलर भी भर सकते हैं। ये देखिए ये भर के तैयार हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने हल्के हल्के कलर भर दिए, आप गहरी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस किताब में बुक में ये भरे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं इस तरीके से ये बनाता हूँ और आप भी बना सकते हैं, बहुत सरल है। चैनल पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।